3 जून को एक ब्रिटिश फिल्म रिलीज हुई द लेडी ऑफ हेवन, जिसके रिलीज होते ही विरोध प्रदर्शन होने लगे। सिनेमाघरों ने फिल्म के शोज कैंसिल कर दिए। हवाला दिया कि हमारे स्टाफ की सुरक्षा के लिए ऐसा किया जा रहा है। क्रिटिक्स ने इस फिल्म पर रेसिस्ट होने और ईश निंदा के आरोप लगाए। इंग्लैंड में फिल्म को बैन करने के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इस फिल्म को लेकर सिर्फ इंग्लैंड में ही बवाल नहीं हो रहा, बल्कि पाकिस्तान, इजिप्ट और ईरान जैसे मुस्लिम मेजॉरिटी देशों ने द लेडी ऑफ हेवन को बैन भी कर दिया है। इन्हीं देशों की लिस्ट में अब मोरक्को का नाम भी जुड़ा है। ये फिल्म क्या है जिस पर माहौल इतना गर्मा गया है, बताते हैं। साथ ही बताएंगे कि विरोध करने वाले लोग तर्क क्या दे रहे हैं। तो चलिए पहले जानते हैं कि इस फिल्म की कहानी क्या है। फर्स्ट टाइम डायरेक्टर अलाई किंग ने द लेडी ऑफ हेवन बनाई है, जिसे लिखा है शिया समुदाय के धर्म गुरु शेख यासीर अल हबीब ने। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक इराकी बच्चे से। आईएसआईएस ने इराक पर कब्जा कर लिया है, देश का माहौल बिगड़ने लगता है, आम लोगों को मारा जा रहा है। ऐसे ही एक हमले में ये बच्चा अपनी माँ को खो देता है। उस बच्चे की माँ के गुजर जाने के बाद उसे एक औरत गोद ले लेती है। उस बच्चे को हिम्मत देने के लिए वो उसे एक कहानी सुनाती है, 1400 साल पुरानी कहानी। ये कहानी थी प्रॉफेट मोहम्मद की बेटी फातिमा की। फिल्म दो टाइमलाइन में चलती है, एक प्रेजेंट दुनिया और एक 1400 साल पुरानी कहानी। फिल्म ने फातिमा को आतंकवाद का पहला विक्टिम बताया है। उन्हीं की कहानी के जरिए ये बच्चा सब्र और तकलीफ जैसी बातों को समझ पाता है। अब चलिए जानते हैं इस फिल्म पर हंगामा क्यों बरप रहा है। द लेडी ऑफ हेवन को लेकर दो प्रमुख वजहों से पूरा बवाल हो रहा है। पहला तो फिल्म में प्रॉफिट मोहम्मद और उनकी बेटी फातिमा को दिखाया गया है, जिनके पोर्ट्रेयल के इस्लाम धर्म में मनाही है। हालांकि मेकर्स का कहना है कि उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद और फातिमा के लिए किसी भी एक्टर को साइन नहीं किया, उन्हें इन कैमरा विजुअल इफेक्ट्स की मदद से बनाया गया है। मेकर्स ने फिल्म में फातिमा का चेहरा भी नहीं दिखाया। फिल्म पर मुस्लिम समुदाय को बांटने के भी आरोप लगे हैं। विरोध करने वालों का कहना है कि फिल्म में इस्लामिक हिस्ट्री के कुछ किरदारों की तुलना आईएसआईएस के आतंकवादियों से की गई है। ये सभी किरदार सुन्नी समाज से थे और इस फिल्म को लिखा है एक शिया धर्मगुरु ने। इस वजह से भी हंगामा हो रहा है कि फिल्म के जरिए सुन्नी समाज की छवि खराब की जा रही है। कहा जा रहा है कि फिल्म हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ कर अपने ढंग से दिखाने की कोशिश कर रही है। खैर, पहले भी बन चुकी हैं ऐसी ही फिल्में। प्रॉफिट मोहम्मद या इस्लाम की शुरुआत पर बनी फिल्मों के नाम ढूंढने जाएंगे तो दो मेजर टाइटल सामने आएंगे। 1976 में डेविड लीन की लॉरेंस ऑफ अरेबिया से इंस्पायर होकर मुस्तफा अक्कद ने एक फिल्म बनाने की कोशिश की, जिसकी कहानी मिडिल ईस्ट में सेट थी। उन्होंने द मैसेज नाम की फिल्म बनाई। प्रॉफिट मोहम्मद को दिखाया या उनकी आवाज नहीं सुनाई जा सकती थी, इसलिए मेकर्स ने उनके रोल में किसी एक्टर को यूज नहीं किया। उनकी छाया तक फिल्म में नहीं दिखाई गई। जब भी कोई उनका सीन होता तो सीन का किरदार कैमरे में देखकर बातें करता। तो इसलिए लेडी ऑफ हेवन फिल्म पर इतना बवाल और इतना हंगामा हो रहा है। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस कीप वॉचिंग जनहित टाइम्स।